हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ शाही पनीर की रेसिपी, जो कि बताने जा रही हूँ। तो बिना लेट किए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सब्ज़ी के लिए जो मैं मसाला यूज की हूँ वो है एक प्याज, एक टमाटर, चार हरा मिर्च और ये 7-8 काजू और 4-5 लहसुन की कलियाँ। तो इसको मैं पहले चॉप कर लूँगी, फाइनली करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो इसको चॉप कर लिए, अब हाफ फ्राई कर लेंगे इसका। और उसके बाद तो देखिए, पहले मैं सभी को काट ली, अब कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई गर्म होगा, इसमें 1 चम्मच के लगभग सरसों का तेल डालेंगे। हाफ फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल का ज़रूरी नहीं पड़ता है, इसलिए 1 चम्मच सरसों का तेल डालें। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता डाल दिए, और जब ये पक जाएगा तब इसमें ये लहसुन की कलियाँ और हरा मिर्च जो काट के रखे थे वो पहले डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज का कलर थोड़ा चेंज होगा तब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो कि हम दिखाए थे शुरू में। तो टमाटर जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको फ्राई करेंगे। और ये देख सकते हैं 50 ग्राम पनीर हम यूज कर रहे हैं सब्ज़ी के लिए, जो कि हम पहले से फ्राई करके पानी में रख दिए हैं। तो अगर आप पनीर को फ्राई करके पानी में रख देते हैं तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। तो देख सकते हैं अब हम डाल दिए इस प्याज में टमाटर। अब हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको फ्राई कर लेंगे चलाते हुए, और जो काजू हम दिखाए थे वो काजू भी डाल दिए। सभी को मैं हाफ फ्राई कर लूँगी, और जब तक कि टमाटर गल ना जाएगा तब तक फ्राई करना है। तो इस मसाला में मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच के बराबर नमक डाली हूँ, ज़्यादा नमक नहीं डाली हूँ। और ये फ्राई हो जाएगा तब इसको हम ठंडा करने के बाद पीस लेंगे। तो देख सकते हैं मैं टमाटर, प्याज और हरा मिर्ची, लहसुन, काजू का पेस्ट बना के तैयार कर ली हूँ। तो अब सब्ज़ी बनाने के लिए मैं कढ़ाई ले ली, इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालें और 3-4 चम्मच के लगभग घी डालूँगी मैं। आपको जो पसंद हो घी, बटर या सरसों का तेल डालना चाहते हैं या जो अच्छा लगे आपको उसमें बना सकते हैं। तो ये गरम हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज लिए हैं। आप अगर नहीं चाहते हैं तो ये प्याज और हरा मिर्च स्किप भी आप कर सकते हैं। तो मैं प्याज, थोड़ा सा गाजर और हरा मिर्च डाली हूँ और 2 लहसुन की कलियाँ चॉप करके। तो ये पक जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला जो मैं तैयार करके रखी थी उसको। तो सभी डाल के अब मैं इसका मसाला फ्राई कर लूँगी जब तक कि पक ना जाए। थोड़ा सा इसका पानी सूख जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और तो देख सकते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए हैं। अब सभी को चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि मसाला मेरा सेपरेट ना हो जाए, तेल छोड़ ना दे। तो धीमी आंच पे पकाएं मसाला तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो मसाला को हम इसी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे, और हाई फ्लेम पे मसाला नहीं पकाना है। तो देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको 2 या 4 मिनट के लिए ढक के भी पका सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी चलाते हुए पकाएं। और तो अब हम डाल दिए इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और जब मसाला मेरा सेपरेट हो जाएगा तब हम ग्रेवी के लिए 1 कप दूध और 1/2 कप मलाई का यूज किए हैं। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, और ग्रेवी के लिए आप पानी भी यूज कर सकते हैं। अगर दूध है तो दूध डालें तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैं ग्रेवी के लिए दूध ही डालूँगी। तो देख सकते हैं मसाला को चलाते रहें, और मसाला आपका तभी पकता है जबकि कढ़ाई में चिपकना छोड़ दे। तो ये 1/2 कप के करीब मलाई था जो कि ताज़े दूध का था वो दिए, और 1 कप हम इसमें दूध यूज किए हैं ग्रेवी के लिए, और हम पानी नहीं डाल रहे हैं। तो दूध और मलाई का ग्रेवी बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो देख सकते हैं
मैं पानी बिल्कुल नहीं यूज कर रही हूँ सब्ज़ी में। तो इस तरीके से चलाते हुए, अगर ताज़ा दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं। तो एकदम जब तक कि मेरा मसाला पूरा सेपरेट ना हो जाए, और दूध मलाई दिए हैं, जब पकेगा तो इसका थिकनेस देखिएगा कुछ अलग ही आएगा मसाले का। तो देख सकते हैं मसाला मेरा अभी पूरा पका नहीं है। जब पकने के बाद मसाला अपने दानेदार लगने लगता है, तो मैं इसमें डाल दी पनीर जो कि पहले से फ्राई करके रखी थी। तो पनीर डाल दिए हैं, अब हम 5 मिनट तक इसको एकदम लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो अब हम इसमें डाल दिए कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी को गरम करने के बाद थोड़ा सा गरम करें, उसके बाद क्रश करके डालें तो इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद आप इसमें अपने पसंद का गरम मसाला डाल सकते हैं। तो मैं पनीर और कस्तूरी मेथी डालने के बाद 2 मिनट के लिए ढक के पका दी। देख सकते हैं मेरा सब्ज़ी लगभग बनके तैयार हो चुका है, और सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी परफेक्ट बनी है मेरी सब्ज़ी शाही पनीर। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। देख सकते हैं सब्ज़ी मेरा बनके तैयार हो चुका है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शाही पनीर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो में बने रहने के लिए